अगर किसी वजह से आप खुद जो है ना वो HEC के दफ्तर जो है ना अपनी डिग्री को अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने के लिए नहीं जा सकते तो कोई मसला नहीं है। HEC पे जो ना एक जो सबसे अच्छा जो फीचर है जो HEC के पोर्टल के ऊपर है वो ये है कि आप ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू भी अपनी डिग्री को अटेस्ट करवा सकते हैं। इसमें ये चीज़ मस्ट नहीं है कि वो ऑथराइज पर्सन आपका ब्लड रिलेटिव हो, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई जानने वाला भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं जो है ना आज अपने जो ना एक दोस्त की डिग्री जो है ना HEC लेके गया था और उसको मैंने कैसे अटेस्ट करवाया, क्या क्या चीज़ें थी जिसको जो है ना आपने माइंड में रखना है। इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि 16 ग्रेड या 18 ग्रेड प्लस जो है ना एक जो ऑफिसर होता है उसकी जो है ना वो आपको एक अथॉरिटी लेटर बनवाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं जो है ना जो मिसकंसेप्शंस हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है ना प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप किसी के बिहाफ पे डिग्री अटेस्ट कराने HEC जा रहे हैं या अगर आप खुद कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी अपने दोस्त को या भी किसी फैमिली मेम्बर्स को किस तरह भेज सकते हैं HEC के दफ्तर ताकि वो आपकी जगह आपकी डिग्री को आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा दें। माय नेम इज़ वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोर्टल से कि आपने सबसे पहले जो HEC का पोर्टल है उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप जो है ना लॉगिन करेंगे, कैसे आप अपनी सारी डिटेल्स को फिलअप करेंगे और उसके बाद आगे आपको पता है 2 से 3 जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेस्टेशन मोड है। एक जिसमें होता है जो है ना वॉक इन मोड, जो जिसमें आप जो है ना बाय वॉक जा सकते हैं, वो अर्जेंट होता है, मतलब उसमें डिपेंड करता है कि आपको अपॉइंटमेंट किस डेट की मिलती है। और जो सेकंड मूड है वो है थ्रू कोरियर। कोरियर में मैं इसलिए उसको पसंद नहीं करता क्योंकि वो 30 दिन, 20 दिन, 40 दिन, उसका कोई कंफर्म नहीं होता कि कितने दिनों के बाद जो है ना वो आपको डिग्री अपनी वापस मिलेगी। कभी कभी इंसान जो है ना अर्जेंटली उसको जो है ना अटेस्टेशन चाहिए होती है, तो इसलिए वॉक इन मूड को मैं ज़्यादा जो है ना प्रेफर करता हूँ। अब वॉक इन मूड के अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है सेल्फ सबमिशन और एक होती है थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन। जिसका मैंने आपको बताया था जो आज की वीडियो है वो ऑथराइज्ड पर्सन से रिलेटेड है। तो पीछे सारा प्रोसेस आपने सेम फॉलो करना है, जहाँ पे मूड आएगा वो आपने वॉक इन मूड करना है। उसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है। अच्छा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, अगर आपको अपॉइंटमेंट बिल्कुल अर्जेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल आज ही आपने अपना अकाउंट बनाया और आप चाहते हैं कि आपको कल का जो वर्किंग डे है उसके अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो इस पे भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उसके अंदर मैंने अपना एक जो ना देसी जो ना जुगाड़ समझ लें या देसी तरीका बताया हुआ है कि कैसे आप जो ना विद इन 1 डे जो ना अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ ऊपर मैं जो ना उसका भी आई बटन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख के आप अपॉइंटमेंट भी जल्दी की ले सकते हैं। इनकेस अगर वो मेथड भी आपके लिए वर्क नहीं करता तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर मेरा आ रहा होगा डायरेक्टली, तो इसमें मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। विद इन 1 डे जो है ना अर्जेंट मैं आपको अपॉइंटमेंट निकलवा के दे सकता हूँ HEC की, ताकि आप अगर आज आपने पोर्टल बनाया है और कल ही आप जाके जो है ना इस प्रोसेस को भी कर सकते हैं। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट, उसके बाद आपने फीस वगैरह जमा करानी होगी। तो जब आप फीस जमा करा लेंगे तो उसके बाद सामने आपके जो है ना 2 ऑप्शंस आएंगे, सेल्फ सबमिशन और ऑथराइज्ड पर्सन। तो उसमें अगर आप खुद जा रहे हैं फिर तो मसला ही हल हो गया, लेकिन अगर आप किसी और बंदे को, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने फैमिली मेम्बर को भेज सकते हैं, आप अपने किसी दोस्त को भेज सकते हैं, इवन अननोन पर्सन को भी आप भेज सकते हैं, और उसको अगर आप वो मतलब ट्रस्टफुल पर्सन है, आप उसको जानते हैं, तो उसके अंदर जस्ट आपने अपनी वहाँ पे डिटेल्स, उसके CNIC नंबर, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस आपने ऐड करना है, और उसके बाद जो है ना आपने जो फॉर्म है वो जनरेट करके डाउनलोड कर लें। तो आप देखेंगे कि नीचे वाजिया जो है ना मेंशन हुआ होगा कि ये बंदा है, ठीक है, ये आपका ऑथराइज पर्सन है, इसका ये नाम है, इसका ये CNIC नंबर है। तो बस उसी बंदे ने फिर अपना CNIC की कॉपी बस साथ लेके जानी है, कोई भी एक्स्ट्रा अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली जब ऑफिस गया तो मैं आपको बताऊं कि मैं वहाँ पे 500 रुपीज़, बल्कि 800 रुपीज़ जो है ना वहाँ पे बाहर बैठे हुए थे लोग, वो डराते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं आपको यहाँ पे अथॉरिटी लेटर बनवाना पड़ेगा, 16 ग्रेड से 18 ग्रेड से ऊपर के ऑफिसर को साइन कराने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये अथॉरिटी लेटर ही आपका है जो आप
थ्रू पोर्टल जो है ना वो बनवा के जा रहे हैं। इसके अंदर जब आप वहां पे चले जाते हैं तो जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स की पहले भी एक वीडियो एचईसी से रिलेटेड बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूं, आपने अपने मैट्रिक की, आपने अपने इंटर की जो सनदें हैं, जो सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो ओरिजिनल लेके जाने हैं। उसके साथ साथ आपकी अगर बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री है तो वो दोनों लेके जाएंगे, ठीक है। इसमें ट्रांसक्रिप्ट अकेली हो सकती है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो जो ना आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करेंगे। तो ये ख्याल रखें कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हों। सेकेंडली, इनकी फोटोकॉपियां आपने करवानी है, आपने मैट्रिक की फोटोकॉपी करानी है सर्टिफिकेट की, इंटर के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी करानी है, इसके साथ आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और अपनी जो डिग्री है उसकी भी फोटोकॉपी करानी है। इसके बाद जो आपने फीस जमा कराई होगी उसका जो स्क्रीनशॉट होगा उसका भी आपने प्रिंट निकलवाना है। इसके साथ जो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, जो आप एंड पे जब जनरेट होता है पोर्टल के ऊपर, उसको भी आपने डाउनलोड करके लेके जाना है। इसके अलावा जो ओनर होगा उसकी सीएनएससी की कॉपी और जो आप जा रहे हैं जो ऑथराइज पर्सन है उसकी भी सीएनएससी की कॉपी लेके जानी है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि जब आप एचईसी के ऑफिस के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपने क्या बोलना है, क्योंकि यहाँ पे एचईसी के जो बंदे हैं वो आपसे पूछते हैं कि आप ये किस बंदे के डॉक्यूमेंट लेके आए, इनके साथ आपका क्या ताल्लुक है। तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जिस बंदे के डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं उसका नाम क्या है, उसके फादर का क्या नाम है, अच्छा उसका आपके साथ क्या ताल्लुक है, आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, आपका भाई है, भाभी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी देख के जानी है, क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं अपने दोस्त के जो डॉक्यूमेंट लेके गया था मुझे उसके फादर का नाम नहीं आता था और उसका भी पूरा नाम नहीं आता था, तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ। जब डेस्क पे जो है ना उन्होंने मुझसे पूछा कि किस बंदे के डॉक्यूमेंट है, तो मैंने बताया मेरे दोस्त के हैं, उन्होंने बोला इसका नाम क्या है, तो नाम मुझे उसका पूरा नहीं आता था। तो इसलिए आपको ये रिकमेंडेशन है कि जिस बंदे के भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं पहले उसकी डिटेल्स वगैरह थोड़ी सी पढ़ लें ताकि आप इजीली वहाँ पे आंसर करें। इसके अलावा कोई बड़ा मसला नहीं होता, वो इजीली आपके डॉक्यूमेंट्स आपको करके दे देते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स देंगे विद इन 2-3 आवर्स वो आपको वेट करने का कहेंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आएंगे और आप लेके आ सकते। तो आई होप आपको इस वीडियो के बाद समझ आ गई होगी कि अगर आप जो है ना पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है या अगर उस सिटी में अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी जगह किसी और बंदे को जो है ना वो अटेस्टेशन करवाने के लिए भेज सकते हैं। और सेकंड, इस मैंने आपको बताया कि आप अपॉइंटमेंट भी विद इन 1 डे ले सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 20-30 दिन या 40 दिन कोरियर के चक्कर में पड़ें या इवन अपॉइंटमेंट का वेट करें। स्क्रूटनी प्लस अपॉइंटमेंट, ये दोनों चीज़ें आपको मैं भी हेल्प कर सकता हूँ, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख के खुद भी ये प्रोसेस जो है ना वो अर्जेंट पे लेके आ सकते हैं, विद इन 1 डे अपॉइंटमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको मसला हो तो आप डायरेक्टली मुझे भी व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो अपॉइंटमेंट है वो विद इन 1 डे जो है ना वो निकलवा के दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।